30,000 कोर्ट ने उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के पिता की न्यायिक हिरासत में मौत के मामले में भाजपा निष्कासित पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, उनके भाई और दो दरोगा समेत 7 आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने सेंगर को आईपीसी की धारा 304 और 120B के तहत दोषी ठहराया है, जबकि 4 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। कौन हुआ दोषी करार? कुलदीप सिंह सेंगर, कामता प्रसाद सब इंस्पेक्टर, अशोक सिंह भदौरिया SHO, विनीत मिश्रा, बीरेंद्र सिंह, शशि प्रताप सिंह और जय सिंह को इस मामले में दोषी करार दिया गया है। कौन हुआ बरी? शैलेंद्र सिंह, राम शरण सिंह, अमीर खान कांस्टेबल और शरद वीर सिंह को इस गैंगरेप पीड़िता के पिता की हत्या के आरोप से बरी कर दिया गया है। 55 लोगों ने दी थी गवाही। मिली जानकारी के मुताबिक दुष्कर्म पीड़िता के पिता की हत्या में CBI ने केस को पुख्ता करने के लिए कुल 55 गवाहों के बयान कोर्ट में दर्ज कराए थे। इनमें पीड़िता के चाचा, माँ, बहन के साथ पिता के सहकर्मी भी शामिल हैं। सेंगर को मिल चुकी है उम्र कैद की सजा। 4 जून 2017 को दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग लड़की ने कुलदीप सेंगर पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। इस मामले में 16 दिसंबर 2019 को 30,000 कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी ठहराया था, फिर 20 दिसंबर को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। हालांकि अब अदालत 12 मार्च के बाद कुलदीप सिंह सेंगर की सजा पर बहस करेगा और कितने साल की सजा कुलदीप सिंह सेंगर को होगी ये तय हो जाएगा।